ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन जो है इस तरीके से प्ले होगी। तो ये स्टार्ट होगी 9th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, 11, फिर 9th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर से 11 सेकंड स्ट्रिंग, 9, 8, फिर 11 पे हैमर और पुल ऑफ देना, 13 पे 11 पे शोक देके ऐसा, फिर से 9 पे शोक। अब ये लाइन और एक बार प्ले करना है, तो क्या प्ले कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, अगर क्या तो क्लियर है। अब इसके बाद की लाइन जो उसकी लिरिक्स सेम है, बस सुर में थोड़ा सा चेंज है, तो हम भी उस हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन ऐसे प्ले होगी। ठीक है, काफ़ी इजी टाइप से। तो फिर से स्टार्ट होगा 9th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, 11, फिर 9th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर से 11 सेकंड, 9th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, 8, 11th फ्रेट, 9th। अब ये लाइन और एक बार प्ले करना है। ठीक है, तो क्या प्ले कर रहे हैं हम लोग? तो जब सेकंड टाइम आप प्ले करोगे, तो आपको 2 स्ट्रोक देके स्टार्ट करना है, क्योंकि मोहब्बत वर्ड जो है दिल वर्ड के लिए एक ही बार स्ट्रोक देना है, और सेकंड टाइम जो फर्स्ट वर्ड है मोहब्बत, उसके लिए 2 स्ट्रोक देना है इस तरीके से। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगा, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में रिटर्न टाइप्स की लिंक देकर रखी है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। अब इसके बाद वाली लाइन पे आ गए, ऐसे प्ले होगी। ठीक है, तो ये फिर से स्टार्ट होगी 9th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, 11, 12, फिर 11 फर्स्ट स्ट्रिंग, 9th फ्रेट, फिर से सेकंड स्ट्रिंग का 12th फ्रेट ऐसे। ठीक है, फिर 11th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, और स्लाइड अप करना 9 पे, और एक स्ट्रोक देना 9 पे। अब ये स्लाइड को आप स्किप भी कर सकते हो, अगर आप बिगिनर हो तो, और आपको स्लाइड करते नहीं आता है, तो आप जस्ट स्लाइड को छोड़ के स्ट्रोक दे दीजिए ऐसे। ठीक है, या तो फिर स्लाइड भी कर सकते हो, स्लाइड करोगे थोड़ा मेलोडी आएगी उसमें। ठीक है, मैं दोनों ऑप्शन बता दिया आपको, अभी आपके ऊपर है आपको किस तरीके से प्ले करना है। फिर उसके बाद 7th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, 9, 6th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, 9th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, 8, सॉरी 7, 6, 9, 7। तो क्या प्ले कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, जैसे मैंने बताया, आप स्लाइड को ऐड कर सकते हो या फिर हटा भी सकते हो आपके हिसाब से। अब उसके बाद, ठीक है, तो ये फिर से स्टार्ट होगी 7th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पे, फिर 2 स्ट्रोक देना 9 पे, 7th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, 6, 9th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, 7th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, 6th फ्रेट ऐसे। उसके बाद 4th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे स्ट्रोक देके हैमर पुल ऑफ देना है 6th फ्रेट पे, फिर से 4th फ्रेट पे स्ट्रोक देके स्लाइड अप करना है 3 पे, 2 स्ट्रोक देना है 3 पे ऐसे। तो यहाँ तो हो गया। इसके बाद 3rd फ्रेट पे और एक स्ट्रोक देके स्लाइड डाउन करना है 6 पे, और एक स्ट्रोक देना है 6 पे, और एक स्ट्रोक देना है 6 पे, और हैमर पुल ऑफ देना है 7 पे,
फिर स्लाइड अप करना है 4 पे और स्ट्रोक देना है 4 पे। तो क्या प्ले कर रहे हैं हम लोग? पूरा पार्ट प्ले करते एक साथ। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आपको पूरा क्लियर होगा। अब इसके बाद वाला पार्ट ठीक है, तो इसके लिए आपको स्ट्रोक देना है 6th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पे, स्लाइड होकर 9 पे। उसके बाद 2 स्ट्रोक देना है 9 पे, फिर 8 पे स्ट्रोक देके हैम रूल ऑफ देना 9 पे, फिर स्लाइड अप करना है 4 पे ऐसे, सॉरी। ठीक, फिर यही से 4th फ्रेट से ही स्लाइड डाउन करना है 8 पे और 2 स्ट्रोक देना 8 पे ऐसे, फिर 6 पे स्ट्रोक देके हैमर पुल ऑफ करना है 8 पे, वापस 4 पे स्लाइड अप करना है। आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्या प्ले कर रहे हैं हम लोग? सॉरी, ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। अब नेक्स्ट स्टैंजा के लिए एक ही लाइन जो है वो 4 बार प्ले हुई है, तो बस एक ही लाइन के टाइप बता देता हूँ मैं आपको, उसी को 4 बार प्ले करना है आपको। तो इस तरीके से प्ले होगी। ठीक है, तो ये लाइन को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट रहेगा, तो ये स्टार्ट होगा 11th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, 2 स्ट्रोक देना 9 पे, फिर 2 स्ट्रोक 7 पे, फिर से 11, 2 स्ट्रोक 9 पे, 2 स्ट्रोक 7 पे, फिर से 11, 2 स्ट्रोक 9 पे, फिर 1 स्ट्रोक देना है 7 पे और हैमर देना 9 पे, फिर से 7 पे स्ट्रोक, 6 पे स्ट्रोक। क्या प्ले कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, काफी इजी टाइप है। अब इसके बाद तो सेम प्रोग्रेशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, बस फ्रेट से अलग है। तो अब इसके लिए आपको स्टार्ट करना है 9th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग है, फिर 7 पे 200, 2 स्ट्रोक 6 पे, 9, 2 बार 7, 2 बार 6, 9, 2 बार 7, 1 बार 6, हैमर 7 पे, फिर से 6, फिर 4 पे स्ट्रोक। ठीक है ऐसे। ठीक अभी दोनों लाइन को कंबाइन करके आपको और 3 बार प्ले करना है इन लाइन्स को, तो टोटल 4 बार प्ले करना है। तो एक बार दोनों लाइन्स को कंबाइन करके प्ले करते हैं साथ में। ये काफ़ी इजी टाइप से, कोई डिफिकल्टी नहीं रहनी चाहिए आपको। फिर भी जैसे मैंने कहा कि अगर कोई डाउट या कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो रिटर्न टाइप्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको रेफर कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर से ये पार्ट प्ले होगा। इसके टाइप में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद इसके भी टास्क बता दिया मैंने आपको। उसके बाद इसके भी टास्क बता दिया। अब उसके बाद फिर से दिल ने ये कहा है, दिल से लाइन प्ले करना है। और बस यहाँ पे खत्म हुआ।
खत्म होंगे टाइप्स। तो आई गेस ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस गाने के टाइप सीखने में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए वीडियो को। अगर कोई डाउट्स को रिक्वेस्ट है तो मेरे साथ टच मार सकते हो इंस्टाग्राम पे, मेरी इंस्टा आईडी यहाँ पे दी हुई है। एंड या कैसे दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।